ये जहर ले लो, ये गुटखा खा के मरो, ये बाबा राम रहीम का गुटखा मसाला खा के देखो एक महीना में कैंसर। गुटखा खाओ, दांत सड़ो, ढोला पड़ाओ, मर जाओ। आपको खाना हो तो खाइएगा, आपको जिंदगी प्यारी लगती हो, किसी का घर के अनमोल बेटे हो, बाप हो, भाई हो, दोस्त हो, किसी का पति हो, किसी का बॉयफ्रेंड हो, कोई प्यार करने वाला रोने वाला पीछे है, आपको माँ बाप मना करते हो तो मान देना चाहिए, कोई बेचने वाला बेचे तो नहीं खाना चाहिए, आपको मरने का शौक हो तब मेरे पास आना चाहिए। चलो भाई कोई ना सड़ी घर का न लायक। वो जहर बेचता है लेकिन बताकर कि इसे खाओगे तो मर जाओगे। नमस्कार, मैं हूँ आसिया। गुटखा या तंबाकू चबाना सेहत के लिए कितना हानिकारक है ये तो हम सब जानते हैं। वो लोग भी इसके परिणामों को जानते समझते हैं जो इसका सेवन करते हैं, लेकिन फिर भी मानते नहीं हैं। यही कारण है कि सड़क ही नहीं बसों ट्रेनों में भी गुटखा बेचने वाले आसानी से दिख जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ऐसे दुकानदार को देखा है जो ये कहकर गुटखा बेच रहा हो कि कोई नालायक अगर मरना चाहता है तो वो मुझसे गुटखा खरीद ले। सबसे पहले सुनिए क्या कह रहा है ये गुटखा बेचने वाला। ये गुटखा खा के मरो, ये बाबा राम रहीम का गुटखा मसाला खा के देखो एक महीना में कैंसर। गुटखा खाओ, दांत सड़ो, ढोला पड़ाओ, मर जाओ। आपको खाना हो तो खाइएगा, आपको जिंदगी प्यारी लगती हो, किसी का घर के अनमोल बेटे हो, बाप हो, भाई हो, दोस्त हो, किसी का पति हो, किसी का बॉयफ्रेंड हो, कोई प्यार करने वाला रोने वाला पीछे है, आपको माँ बाप मना करते हो तो मान देना चाहिए, कोई बेचने वाला बेचे तो नहीं खाना चाहिए, आपको मरने का शौक हो तब मेरे पास आना चाहिए। चलो भाई कोई ना सड़ी घर का न लायक। कोई मरने वाला है? गुटखा खाने से 32 लोगों की मौत, 33 नंबर किसका भाई यहाँ दुड़ाओ। तो सुना आपने, ये शख्स ट्रेन में गुटखा बेच रहा है या फिर कोई जागरूकता अभियान चला रहा है ये कहना जरा मुश्किल है। एक बार फिर से सुनिए क्या कह रहा है ये चलता फिरता दुकानदार। ये गुटखा खा के मरो, ये बाबा राम रहीम का गुटखा मसाला खा के देखो एक महीना में कैंसर। गुटखा खाओ, दांत सड़ो, ढोला पड़ाओ, मर जाओ। आपको खाना हो तो खाइएगा, आपको जिंदगी प्यारी लगती हो, किसी का घर के अनमोल बेटे हो, बाप हो, भाई हो, दोस्त हो, किसी का पति हो, किसी का बॉयफ्रेंड हो, कोई प्यार करने वाला रोने वाला पीछे है, आपको माँ बाप मना करते हो तो मान देना चाहिए, कोई बेचने वाला बेचे तो नहीं खाना चाहिए, आपको मरने का शौक हो तब मेरे पास आना चाहिए। चलो भाई कोई ना सड़ी घर का न लायक। कोई मरने वाला है? गुटखा खाने से 32 लोगों की मौत, 33 नंबर किसका भाई यहाँ दुड़ाओ। क्या आपने इस तरह से किसी को गुटखा बेचते देखा है? क्या इतना सब कुछ सुनने के बाद कोई गुटखा या तंबाकू खरीदने की हिम्मत जुटा पाएगा? शायद नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, कैंसर जैसे डरावने और खरीदारों के लिए नालायक जैसे अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने के बावजूद इसकी दुकानदारी चलती है। लोग इसे जहर की पुड़िया खरीदते हैं। गुटखा बेच रहा था, उसके बारे में क्या ख्याल है? गुटखा बेचने वाला जो बोल रहा था, जो कह रहा था, उसकी उससे एक समाज को एक संदेश जाता है कि आखिर गुटखा से कितना नुकसान है लोगों को, और जो सबसे बड़ी बात कि वो बेच ही रहा है और अपने सामान की बुराई भी कर रहा है, तो इससे लोगों को जागरूक होना चाहिए, समझना चाहिए। हालांकि तमाम कोशिशों के बावजूद ट्रेन में अनोखे तरीके से गुटखा बेचने वाले शख्स ने ना तो अपना नाम बताया और ना ही इस बारे में कुछ और बोलने को तैयार हुआ। ये गुटखा खा के मरो, ये बाबा राम रहीम का गुटखा मसाला खा के देखो एक महीना में कैंसर। गुटखा खाओ, दांत सड़ो, ढोला पड़ाओ, मर जाओ। आपको खाना हो तो खाइएगा, आपको जिंदगी प्यारी लगती हो, किसी का घर के अनमोल बेटे हो, बाप हो, भाई हो, दोस्त हो, किसी का पति हो, किसी का बॉयफ्रेंड हो, कोई प्यार करने वाला रोने वाला पीछे है, आपको माँ बाप मना करते हो तो मान देना चाहिए, कोई बेचने वाला बेचे तो नहीं खाना चाहिए, आपको मरने का शौक हो तब मेरे पास आना चाहिए। चलो भाई कोई ना सड़ी घर का न लायक। कोई मरने वाला है? गुटखा खाने से 32 लोगों की मौत, 33 नंबर किसका भाई यहाँ दुड़ाओ। ये हम सब जानते हैं कि गुटखा या तंबाकू चबाना कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी को न्योता देना है। दुनिया भर में हजारों लोग इसकी वजह से अपनी जान गंवा बैठते हैं, फिर भी यह धंधा जारी है। तो बायोस्कोप के सीख के साथ इतना ही।